नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा टकराव का है जो दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार चल रहा है। एलजी के ऊपर लगातार केजरीवाल सरकार निशाना साधती है और ये मुद्दा जो है वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है, जिस पर एक बार फिर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और केंद्र सरकार के जो अध्यादेश को चुनौती दी गई है उसको रद्द करने की मांग की गई है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है यानी सर्विसेज सेवाओं का जो मामला है उसमें एलजी को एक बार फिर प्रमुखता दी गई है और कहा है एलजी ही इस पर डिसाइड करेंगे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को। उसे लेकर दिल्ली में की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और कहा है कि जब 11 मई को 5 जजों के संविधान पीठ ने ये फैसला दे दिया था कि चुनी हुई जो सरकार है दिल्ली की वही तय करेगी कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, सेवाओं पर उसका नियंत्रण होगा, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले को पलटते हुए ये अध्यादेश केंद्र सरकार 19 मई को ले आई, जिसमें एक प्राधिकरण तो बनाया जिसमें दो नौकरशाह और एक मुख्यमंत्री को रखा गया, लेकिन पूरी तरह इस मामले को एलजी के हाथ में दे दिया गया कि एलजी ही निर्णायक प्राधिकरण इस मुद्दे के होंगे कि आखिरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ होगी। उसे चुनौती दी गई थी, जल्द सुनवाई की मांग की गई थी और एक अहम सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की कोर्ट में हुई, जहां बेंच में हुई, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली सरकार की तरफ से अपीयर हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस अध्यादेश पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये संघवाद के खिलाफ है। ये जो है जो फैसला जो अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार वो पूरी तरह असंवैधानिक है और इसे रद्द करना चाहिए और पहले अंतरिम रोक इस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट को लगानी चाहिए। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जो संसद के द्वारा एक्ट लाए जाते हैं उस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बैठता है, मुख्यमंत्री और दो नौकरशाह होंगे, मुख्यमंत्री अल्पमत में आ जाएंगे और फिर मुद्दा जो है एलजी के पास जाएगा, जो एक सुपर सीएम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा और कहा कि इस पर तुरंत रोक लगानी जानी चाहिए। साथ ही साथ 400 से ज़्यादा जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे केजरीवाल सरकार द्वारा, उनकी नियुक्तियों को रद्द करने का मुद्दा भी उठाया और कहा इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। हाईली क्वालिफाइड ये लोग हैं, लेकिन उस अध्यादेश की आड़ में एलजी जो हैं वो उन्हें ये भी नियुक्तियाँ रद्द कर रहे हैं और लगातार सुपर सीएम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। या तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से विरोध किया गया, तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि अध्यादेश पर रोक नहीं होनी चाहिए और इस तरह ये लोग अध्यादेश की आड़ में अन्य मुद्दों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, उससे भी बचा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नोटिस जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा एलजी को भी नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में अध्यादेश पर जवाब मांगा है, लेकिन चूंकि लगातार दिल्ली सरकार कह रही थी कि अध्यादेश पर अंतिम रोक लगाई जाए और जो 400 से ज़्यादा सलाहकार जो कंसल्टेंट हैं उनकी नियुक्ति जो रद्द की गई हैं उसके एलजी के फैसले पर भी रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मुद्दे को सुनेंगे। 17 जुलाई को इस मुद्दे पर आगे सुनवाई होगी। अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है अध्यादेश पर और कहा कि वो 17 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए। और 400 से ज़्यादा जो कंसल्टेंटों की जो नियुक्तियां जो रद्द की गई हैं एलजी की तरफ से उनके उस एलजी के फैसले पर भी रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो लगातार केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो लगातार एक दूसरे से अधिकारों को लेकर लड़ती रही है। बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, 2018 में एक फैसला आया लेकिन उसमें सर्विसेज को लेकर कोई फैसला नहीं था, दो जजेज की आपस में मतभेद रहे राय में, फिर 3 जजेज को भेजा गया और उसके बाद 5 जजों के संविधान पीठ इस मुद्दे पर बैठा कि दिल्ली में अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है यानी सर्विसेज का मुद्दा है वो किसके अधीन होना चाहिए। और फिर 11 मई को 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही ये अधिकार होगा और एलजी वहाँ उस क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते जो संविधान द्वारा या किसी कानून द्वारा उनको नहीं दिया गया है। चुनी हुई सरकार को ये अधिकार है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ हो, कैसे हो, ये सर्विसेज का जो नियंत्रण है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रहेगा। लेकिन 11 मई को इस फैसले के बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई जिसमें एक बार फिर एलजी को सारी
शक्तियां दे दी गई और दिल्ली सरकार एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो लगातार अधिकारों की लड़ाई ये अभी चल रही है। अगले 17 जुलाई को एक अहम सुनवाई फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश बना रहेगा, यानी नियुक्तियां फिलहाल अध्यादेश के मुताबिक LG के थ्रू होंगी, LG की स्वीकृति से होंगी, या फिर अध्यादेश पर अंतरिम रोक रहेगी और ये दिल्ली सरकार को कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा और ये टकराव जो है आगे भी देखने को मिलता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।